हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जो छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पेड़ों की कटाई रोकने और पर्यावरण को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। इसका नाम है प्राणवायु देवता स्कीम। इस स्कीम के तहत सालाना 2500 रुपए की पेंशन उन पेड़ों को दी जाएगी जिसकी उम्र 75 साल से अधिक है। शायद ही इस पर आपको तुरंत भरोसा ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में 75 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि इस योजना की शुरुआत साल 2021 में ही की गई थी, लेकिन इसे अब पूरी तरह से अमल में लाया जा चुका है। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवर पाल ने कहा कि जब भी वो किसी पुराने पेड़ को देखते हैं तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं। ये पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आसरा देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये पेड़ अपने आप में इतिहास संजोए हुए हैं। इससे प्राणदायक वायु प्रदान करने वाले इन पेड़ों से कटाई का खतरा भी हट जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला किया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस फर्क इतना है कि ये पेंशन सालाना 2500 रुपये होगी। ऐसे में अब तक 3300 पेड़ों का चयन किया जा चुका है और आने वाले समय में ये आंकड़ा 4000 को छू सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे ऊपर की उम्र के पेड़ हैं और वो उस पर पेंशन लेने के इच्छुक हैं तो अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कमेटी द्वारा इस आवेदन का आकलन किया जाएगा। आवेदन के सत्यापन के बाद उस व्यक्ति को पेड़ों को मिलने वाली पेंशन दी जाएगी।